नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट में। मैं ब्रजेश एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने ट्रांसपोर्ट के किसी नए मुद्दे पर आपसे बातचीत के लिए और नए अपडेट के साथ। इस वक्त पूरे भारत में जो सबसे बड़ी समस्या देशवासियों के लिए और ट्रांसपोर्टरों के लिए और ट्रांसपोर्ट ट्रेड के काम करने वाले सभी लोगों के लिए है, वो है प्रदूषण। जी हाँ, प्रदूषण का मुद्दा देशवासियों के लिए इसलिए मुश्किल है क्योंकि कई शहरों में प्रदूषण इस खतरनाक स्तर से भी ऊपर चला गया है, जो लोगों के लिए वहाँ रहने वाले जो शहरों में रहने वाले लोगों के लिए बहुत खतरनाक स्थिति पर। इससे दमे और सांस से संबंधित बहुत हर तरह की बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इसी को देखते हुए दिल्ली में बेशक अभी कुछ देर हुई हो, अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया हो सरकारों की तरफ से, लेकिन उत्तर प्रदेश में लखनऊ और कानपुर में इस मामले से निपटने के लिए एक्शन मोड़ पर आ गया है वहाँ का प्रशासन। आपको बता दें, कानपुर से जो खबर आ रही है, वायु प्रदूषण के खतरे को देखते हुए जहां कूड़ा करकट न जलाने, सड़क किनारे पानी के छिड़काव, बेवजह वाहनों का उपयोग न करने के लिए कहा जाता है, वहीं हस्ताहाल वाहनों पर कार्रवाई कर उन्हें शहर से बाहर का रास्ता दिखाने के निर्देश भी आ गए। यानी अगर आपके वाहन उत्तर प्रदेश में खस्ता हालत में है तो यकीन मानिए आपको हो सकती है बड़ी दिक्कत, क्योंकि आपके वाहन अब शहरों में नहीं चलेंगे। परिवहन विभाग ने धुआं उगलते वाहनों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। उसके लिए प्रदूषण प्रमाण पत्रों को और अधिक हाईटेक किया जा रहा है। उसमें QR कोड रहेगा। इसकी सहायता से न सिर्फ वाहनों की जानकारी आ जाएगी बल्कि जहरीला धुआं न उगलने की गारंटी भी मिलेगी। यह तकनीक नए साल से शुरू हो जाएगी। इस संबंध में ARTO प्रशासन आदित्य त्रिपाठी ने बताया कि मुख्यालय में QR कोड पर चर्चा हुई है, जल्द ही इसे जनपदों में लागू कर दिया जाएगा। संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय RTO से अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्रों से QR कोड वाला प्रमाण पत्र मिलेगा। इसमें खास बात यह रहेगी कि यह प्रमाण पत्र पूरी जांच प्रक्रिया के बाद ही जारी होगा। अगर इंजन में मशीन का नोजल नहीं डाला गया तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। फर्जी प्रमाण पत्रों पर लगेगी लगाम। जी हाँ, तो अगर आप किसी तरह से, अगर जो वाहन मालिक है खस्ता हाल वाहनों पर किसी तरह से किसी जुगाड़ से अपना फिटनेस सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो अब मुश्किल होने वाली है, क्योंकि अब स्थितियां हो जाएंगी हाईटेक, जिसके बाद आप अपने फिटनेस सर्टिफिकेट या जो प्रदूषण छोड़ने वाले वाहन हैं उनको बचा नहीं पाएंगे और अंततः उनको जाना पड़ेगा शहरों से बाहर। कानपुर समेत आसपास के जनपदों में फर्जी तरह से प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। इनमें बिना वाहन चेक हुए सर्टिफिकेट जारी हो जाते हैं। QR कोड के जरिए यह फर्जीवाड़ा रोका जा सकेगा। वाहनों की जानकारी परिवहन विभाग के सर्वर से जुड़ी रहेगी। इसे कोई भी संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय से देखा जा सकेगा। सिर्फ QR कोड को स्कैन करने से सारी जानकारी उनके कंप्यूटर में आ जाएगी, जिससे नकली पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनने बंद हो जाएंगे और गाड़ियों की प्रदूषण जांच सही तरीके से होगी और धुआं छोड़ने वाहनों पर लगेगा लगाम। आप देख सकते हैं दिल्ली में ये स्थिति आ गई है, कानपुर और लखनऊ में, जहां पर ये स्थितियां अब निपटाने की और इन पर लगाम पाने की कोशिशें जारी हो गई हैं। लेकिन वहीं दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि वह अब इस पर विचार करेंगे। और ऑड इवन की बात कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, साथ ही उनका कहना है कि पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। लेकिन स्थिति अभी ख़राब है, स्थिति अभी गंभीर है, और ये ऐसी स्थिति में अगर आप पेड़ पौधे लगेंगे तो कब तक बड़े होंगे, कब तक एनर्जी देंगे, ये बड़ी बात है। दूसरा, ऑड इवन पहले भी फ्लॉप रहा था, उतनी स्थिति जो उनकी उम्मीद थी वो सफल नहीं हो पाई थी। और अब दूसरा, न्यायालय की तरफ से भी जो बात कही गई कि अब इस बार ऑड इवन अगर होगा तो उस पर किसी को छूट नहीं देनी चाहिए, तो अगर ऐसा होगा तो ऑड इवन भी लागू कर पाना मुश्किल लग रहा है। वहीं पर ऐसे संभावनाएं बन रही हैं, क्या दिल्ली में भी होने वाले हैं डीजल व्हीकल बंद? क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी, जैसे जब भी प्रदूषण लेवल बढ़ता है तो सरकार की तरफ से एक ही हथियार उनके पास होता है, कमर्शियल व्हीकल्स के पहियों को रोक लेना। हैवी गुड्स व्हीकल जो होते हैं, मीडियम गुड्स व्हीकल जो होते हैं, डीजल व्हीकल जो है उनके पहियों पर लगाम लगा लेना, क्योंकि ये सबसे सॉफ्ट टारगेट होते हैं। और तो क्या इस बार भी जो दिल्ली में प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ रहा है, तो क्या इस बार फिर से आप ऐसा हो सकता है, संभावना हो सकती है कि दिल्ली सरकार या सरकार की तरफ से ट्रकों के पहियों को जाम कर दिया जाए, दिल्ली में उनकी एंट्री बंद कर दी जाए? क्योंकि संभावनाएं और स्थितियां ऐसी ही बन रही हैं। सरकार हर बार की तरह सिर्फ ये टारगेट सॉफ्ट टारगेट होता है, ट्रक्स इनके पहियों को लगाम लगाते हैं। अब ऐसा होगा या नहीं, ये देखने वाली बात। मैं ब्रजेश शुजा फिर हाजिर हूँ आपके सामने किसी नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।